कि आपको पता है भोजन करने का सही समय आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। सुबह के नाश्ते को सही समय पर करना आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 14 से 16 घंटे का गैप होना जरूरी है। 14 से 16 घंटे का गैप आपको ज्यादा स्वस्थ और फिट रखने में मददगार है। आज के बदलते और बिगड़े लाइफस्टाइल में लोगों के खाने पीने का समय ही बिगड़ गया है। लोग देर तक जागते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में उनके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप नहीं हो पाता है, जिससे कि बेली फैट बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर का कहना है कि वजन घटाने के लिए आपको 11 बजे तक नाश्ता नहीं करना चाहिए। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि आपको रात का डिनर जल्दी करके सुबह के नाश्ते में कम से कम 14 घंटे का उपवास करना चाहिए। अगर डिनर का समय रात के 8 या 9 बजे है तो सुबह नाश्ते का समय 11 बजे आप रख सकते हैं। रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच में 14 घंटे का गैप आपके वजन को कंट्रोल करने में ज्यादा मददगार होता है। आप रात के खाने और सुबह के नाश्ते में कितने घंटे का गैप रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए फिरकी के साथ।